लेगो। इन्हें आपने कहीं देखा होगा या फिर इसके बारे में कहीं सुना होगा। क्या आपने जानने की कोशिश की कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसे लेगो क्यों कहा जाता है? क्या आप उत्सुक हैं इसे जानने के लिए? चलिए मैं आपको सुनाता हूँ द लेगो की स्टोरी। 1932 में बिल्लन नामक जगह पे एक ओले क्रिसिसिन नाम का कारपेंटर रहता था। पैसों की तंगी और बुरे वक्त की वजह से उसे अपना आखिरी वर्कर भी निकालना पड़ा। अंदर आ जाओ यन। सर, मैंने वर्कशॉप बंद कर दी है और अपना सारा सामान पैक कर लिया है। ओह, बहुत बढ़िया यन। अब मैं तुम्हें तुम्हारा चेक दे देता हूँ जिस पे तुम्हारा हक है। अपना ख्याल रखना यन। शुक्रिया सर, चलता हूँ मैं। ये मेरा आखिरी वर्कर था जिसको भी मैंने निकाल दिया। मैंने कभी सोचा नहीं था इतना बुरा वक्त आ जाएगा मेरा। मैं समझ सकती हूँ, इतना भी बुरा नहीं हुआ हमारे साथ। बुरा हुआ तो नहीं था, मगर बुरा होने वाला था, क्योंकि कुछ दिन बाद ओले की वाइफ का देहांत हो जाता है। उसके चारों बेटों की जिम्मेदारी उस पर आ चुकी थी, मगर ओले एक स्पेशल व्यक्ति था। वो कभी हार नहीं मानता था। फिर उसको एक आइडिया आया और उस आइडिया का नमूने बदलने में उसको टाइम नहीं लगा। उस छोटी सी खोज से उसने अपने बच्चों को बहुत खुश किया। फिर उसने ये सोचा कि मैं अब खिलौने ही बनाऊंगा, और उसको बहुत सारी लकड़ियां भी मिल गई अपने पुराने वर्कशॉप से, जिसका वो खिलौना बनाने में इस्तेमाल कर सकता था। वक्त बीतता गया और ओले वैसे तो बहुत अच्छे कारपेंटर था। वो बढ़िया क्वालिटी और अच्छी डिटेलिंग के साथ खिलौने बनाता था, मगर उन्हें बेच नहीं पाता था। ये देखकर उसके चारों बेटों में से गॉडफ्रेड ने अपने पापा की मदद करना शुरू किया। अब तो दूर दूर शहरों में पता चल चुका था कि बिल्लैंड में एक कारपेंटर लकड़ी के बहुत अच्छे खिलौने बना रहा है। आइए सर, क्या चाहिए आपको? क्या तुम वही कारपेंटर है जो कि लकड़ियों के खिलौने बहुत फाइन क्वालिटी से बना रहा है? यस सर, आप देख सकते हैं दुकान में। तुम खिलौना तो बहुत अच्छा बनाता है, मैं तुमको ऑर्डर देना चाहेगी। आखिर वो हमें मिल ही गया जो हमारे खिलौनों को बहुत पसंद कर रहा है। ये देखो, एक थोक विक्रेता हमारे बहुत सारे खिलौने अपने स्टोर पे रखना चाहता है। ये हमारे लिए अच्छा होगा और क्रिसमस बहुत अच्छा जाएगा इस बारी। अब छोटी सी वर्कशॉप में करने के लिए बहुत कुछ था, इसलिए ओले ने अपने सारे वर्कर वापस बुला लिए थे। ओले खिलौनों को हाथ से चुनी हुई लकड़ियों से बनाना चाहता था। ओले रात दिन काम कर रहा था ताकि ऑर्डर टाइम पे खत्म हो सके। क्या हुआ पापा, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, वही हुआ जिसका मुझे डर था। ऑर्डर के काम के बीच में ओले को एक लेटर मिला उसी थोक विक्रेता से जिसने ऑर्डर किया था, कि वो बैंकरप्सी में फंस चुका है, अब वो ऑर्डर नहीं ले पाएगा जो उसने ऑर्डर किया था। अब हम क्या करेंगे पापा? अब क्रिसमस पे खाने के भी पैसे नहीं होंगे हमारे पास। मैं करूंगा इसे। अब आप क्या करेंगे पापा? मैं खुद घूम घूम के इन खिलौनों को बेचूंगा। ओले ने समय को बर्बाद न करते हुए खिलौनों को बेचने निकल गया। और ओले खिलौनों को बनाता था बहुत अच्छा था, मगर उन्हें बेच नहीं पाता था। वो बता ही नहीं पाता था कि खिलौना कितनी अच्छी क्वालिटी और डिटेलिंग के साथ बने हुए हैं। आप इसे देखे तो सही, मार्केट में आग लगा देगा ये। क्या ये तुम्हें पसंद नहीं? हाँ, ये लग तो बहुत अच्छा रहा है, मगर मेरे पास इतना पैसा नहीं। क्या हम और कुछ कर सकते हैं? मैं लेना तो पैसे चाहूंगा, मगर आखिर ओले अपने सारे खिलौनों को बेचने में सफल हो जाता है, मगर उसको उतना पैसा नहीं मिलता जितना वो सोचता है। मगर पूरे परिवार के लिए बहुत सारा खाना मिल जाता है क्रिसमस के लिए। वक्त बीतता गया, मगर खिलौने उतनी तेजी से नहीं बिके जिस तरह से सोचे थे।
शायद इस कंपनी को एक नाम की जरूरत है। क्या होना चाहिए वो नाम? नाम कोई छोटा सा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? लेगो। आपने देखा कि ओले ने खुद ही लेगो का नाम निकाला और कंपनी धीरे धीरे फिर से शुरू हो गई। डैड, इस बारी हमने काफी अच्छे खिलौने बेचे हैं। हाँ, हमने बेचे तो हैं। अब गॉडफ्रेड एक मिलिंग मशीन पे पैसा खर्च करना चाहता था जिससे खिलौने की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। क्या फ्रेड, तुम्हें लगता है ये हमारे लिए फायदेमंद होगा? बिल्कुल डैड। पापा, हम आज एक कंपनी से बहुत पैसे कमा सकते हैं। वो कैसे फ्रेड? पापा, वो कंपनी दुगने पैसे देने के लिए तैयार है हमारे खिलौने के लिए। अरे वाह, क्या बात कर रहे हो तुम? फिर फ्रेड खुद ही सारे खिलौनों को पैक करता है और रेलवे स्टेशन पे उस कंपनी में भेजने के लिए दे आता है। ये देखिए पापा, ये मैंने कैसा बनाया है। काफी अच्छा है फ्रेड। मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ। १९३० के आखिरी में लेगो कंपनी काफी अच्छा फायदा बना रही थी और दूसरे विश्व युद्ध के टाइम भी कुछ खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, मगर एक तूफानी रात को लेगो कंपनी ने आग लगा। आग लग गई। जो आग बुझाने वाले थे वो आग को बुझा ना सके और लेगो कंपनी सारी जल चुकी थी।